वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम आए आपको लेके अपनी गाड़ी का पूरा रिव्यू देने। हमने आपको, जैसा कि आपको पता होगा, हमने ग्रैंड विटारा ली है। ये हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी एसयूवी है जो सीएनजी में भी आती है। देखिए लुक्स, हर चीज़ से गाड़ी बढ़िया है, सफल है हर चीज़ में। तो 10 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। देखिए नीचे स्कॉर्पियो एन का भी 197 का आता है, इसका 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और बाकी की चीज़ें आपको दिखाते हैं। आइए, फ्रंट में आप देख सकते हैं हमें बोल्ड ग्रिल मिलती है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो रही है, अभी टेम्परेरी नंबर चढ़ा हुआ है। बीच में पियानो फिनिश के साथ ये ग्रिल मिलती है ना। और ये क्रोम का काम मिलता है इसमें। और ये DRL हैं इसके, जो कि रात में बड़े प्यारे लगते हैं चलते हुए। रात में इस गाड़ी की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? पीछे भी LED है, आगे भी LED है। ये जो फॉग लैंप टाइप के हैं ना, ये हेडलाइट है इसकी। बस ये थोड़ा थ्रो का मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको। अब आपको साइड व्यू दिखाते हैं इसका। इसमें आपको 17 इंच के अपोलो के टायर मिलते हैं हर मॉडल में, टॉप में हो चाहे बेस में हो। ये मॉडल है डेल्टा मॉडल है बेस से ऊपर वाला। लेकिन आपको इस गाड़ी में एक चीज़ और खासियत मिलेगी, बेस मॉडल में ही आपको फोल्डिंग मिरर, पुश बटन स्टार्ट, ये सारे फीचर मिलेंगे। और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। बैक लुक देखिए इसका थोड़ा सा। अभी तो ये लाइट पूरी जलती है, जिससे कि ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है गाड़ी की। और आपको ये CNG मॉडल है, दिख रही होगी बैजिंग CNG की। अब इसके फीचर रिव्यू सब चीज़ बताता हूँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बाहर से आपने देख ली, एक दो चीज़ें और बताता हूँ आपको बाहर की। फर्स्ट आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा दोनों साइड बेस मॉडल से ही इस गाड़ी में। ये लॉक हो गई, अनलॉक थी ना पहले, अब अनलॉक। ऐसा कुछ इंटीरियर है इसका। और आपको फोल्डिंग मिरर मिलेंगे इसमें, ये रहे। लॉक अनलॉक ऑटो अप डाउन भी है। अब हमने आप लोगों के लिए इसका इंजन खोल दिया है। ये है इंजन इसका, 1500 cc का नेचुरल गैस स्प्रिट इंजन है इसका। और ये इसकी CNG किट लग रही है यहाँ पे। गाड़ी में स्पेस बहुत है यार, पता क्या है, मैंने XUV से स्विच कराया ना इस पर, तो उसका तो पूरा इंजन डीजल का इंजन था, भरा हुआ था। इसमें स्पेस काफ़ी है, देखो यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। बट गाड़ी यार चलने में आपको पता नहीं लगेगा कि आप पेट्रोल की चला रहे हो या CNG की चला रहे हो। अब इसका आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। चलिए अब इसका बूट स्पेस खोलते हैं। अगर आपको ब्रेजर्स का कंपैरिजन भी चाहिए तो बताना, क्योंकि ब्रेजर्स का सेम इंजन है, बस थोड़ा सा BHP का फ़र्क है इंजन की। भाई कोई नहीं, हम अपना बूट खोलते हैं। बूट खोलने से पहले आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ मिल जाता है आपको कैमरा जो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड है। अब ये देखिए, CNG होने के बाद भी आपको इतना स्पेस मिल रहा है डिग्गी में कि आप अपने 4 जनों की फैमिली है तो अच्छे खासी गाड़ी से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आपको सिलेंडर दिखाता हूँ कहाँ पे लेते हैं इसका। ये देखिए सिलेंडर यहाँ है, बड़ा कवर करके बड़ी अच्छी फिनिशिंग से दे रखा है। और ये आपकी टूल किट हो गई। इसका स्पेयर व्हील है नीचे, तो ये बोल्ट आप घुमाओगे तो स्पेयर व्हील निकल जाएगा, दिखाता हूँ मैं। और यहाँ भाई एक बार यहाँ फोकस करिए, यहाँ पे आपको वो जो चार्जर लगाने के लिए सॉकेट भी दे रखा है, लाइट भी दे रखी है, ऑन ऑफ भी हो जाती है, नई सारी डिग्गी खुलने पे जलती है। अब स्पेयर टायर आपको यहाँ मिल जाता है नीचे, देख सकते हैं SUV कारों में यहीं मिलता है जाकर, यहीं प्लेसमेंट कर रखी है। आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं बोर्ड बंद करने का। अब हम आ गए गाड़ी में, इसका कुछ ऐसा मीटर पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। और सबसे बढ़िया बात ये बेस मॉडल से मिलता है, गाड़ी को स्टार्ट कर लें। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, इस गाड़ी का पता नहीं पड़ता, कई बार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट है भी या नहीं। हमारी गाड़ी स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ मीटर मिलता है। इधर आपके CNG के पॉइंट बताता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पेट्रोल का। और क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं आपको, ये मोशन बताता है आपकी गाड़ी, जैसे एक टायर ऊपर खड़ा हुआ है, एक टायर नीचे, तो उस तरीके की चीज़ें बताता है। फ्रंट टायर दोनों तरफ का, ये टॉर्क और पावर दिखाता है, आप गाड़ी चला रहे हो तो देखो रेस दूँ, टॉर्क दिखाया ना। ये एक्सीलेशन है, देखो ऊपर एक्सीलेशन, नीचे ब्रेक दिखाया, ब्रेक दबाते ही देखो ब्रेक आ गए ना। ये आपकी कितने टाइम आपने कैसे चलाई गाड़ी, कितनी पेट्रोल पर चलाई है, कितनी CNG पे, वो चीज़ दिखा रहा है। और आपका CNG का सिलेंडर बना आ गया, ये
ये जैसे डिस्प्ले आ गया अपने, गेट खोला तो जैसे गाड़ी बनी आएगी आपके यहाँ पे। अब बंद कर लिया मैंने ये आपका, इसका मुझे भी नहीं पता अभी तक। और नेक्स्ट चीज़ आपका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है जो कि ब्रेजा के टॉप मॉडल में आता है, इसके बेस से ऊपर वाले में ही दे देते हैं ये वाला स्टीरियो। मतलब ये है कि आपको वायर की ज़रूरत नहीं, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब चलेगा आपका, माइलेज वगैरह सब दिखाएगी। ये AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है, प्लस डिस्प्ले भी इसमें दे रखी है अलग से, और यहाँ आपका USB पोर्ट भी दे रखा है एक, और यहाँ आपका 12 वाट का सॉकेट भी दे रखा है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ तो ऑटोमेटिक ORVM इस गाड़ी में नहीं आता, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, या आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। MGP का जनरल मिल जाता है और गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है। और कुछ हिडन फीचर की बात करूँ यहाँ पे ना, अगर आप रात में आपको गाड़ी रोकते हैं, गेट खोलते हैं, यहाँ लाइट जलती है, आपके डैशबोर्ड के अंदर लाइट भी जलती है। डैशबोर्ड के अंदर वाली लाइट की तो सबने बता रखी है, नीचे पैरों में भी लाइट आती है ऑरेंज रंग की। और ये कुछ आर्मरेस्ट कंपनी से ही मिलता है डेल्टा मॉडल में, ये रहा। ये आपकी गियर नॉब नॉर्मल वाली मिलेगी, और मैनुअल है क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक लोगे तो ऑटोमेटिक वाली मिलेगी। और ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये फैब्रिक नहीं है, ये प्लास्टिक है। ये आपको टॉप मॉडल में लेदर रैप मिलता है। अगर आपका ये बजट कम है मेरी तरह, तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसमें लेदर रैप ना OEM पार्ट मारुति सुजुकी के ही 3,000 रुपये की किट आती है। ये आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पियानो फिनिश में, ये पियानो फिनिश में, ये पियानो फिनिश में, ये पियानो फिनिश में, 3,000 रुपये में टॉप मॉडल डैशबोर्ड आपका बन जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं, हैंडल वगैरह सब क्रोम में दे रखे हैं इसके, और ये स्विच वगैरह सब चीज यहाँ भी फैब्रिक आता है। रूफ लैम्प की बात करें तो ये देखिए, रूफ लैम्प पीले कलर की मिलती है, दो आगे दो पीछे, एक इधर और एक इधर। आपकी पीछे आपको ये आर्म रेस्ट भी मिलता है, और ये डिक्लाइनिंग क्लाइन भी हो जाती है सीटें, 40-60 स्प्लिट भी हो जाती हैं जो कि ब्रेजा में नहीं होती है। और पीछे थर्ड पैसेंजर के सीट बेल्ट भी दे रखी है। क्योंकि सीट की बात करें तो लंबर सपोर्ट भी मिलता है आपको, बहुत बढ़िया सीट है। और ये सीटें ना अप डाउन के साथ साथ इंक्लाइन डिक्लाइन भी हो जाती हैं। और स्टेयरिंग की बात करें, एक मिनट फोन पकड़िए आप, स्टेयरिंग देखिए, ब्रेजा का टिल्ट होता है ना सिर्फ, ये टेलीस्कोपिक भी है, समझ गए। और ओवरऑल बात करूं जैसे कि ब्रेजा का CNG में अगर आप लेते हो, नहीं तो CNG नहीं पेट्रोल भी लोगे, 13 लाख रुपए का टॉप मॉडल है लमसम, इसका बेस मॉडल है उतने का, समझना मेरी बात। तो भाई इस चीज़ में आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है बताता हूँ। ब्रेजा में आपको छोटी सी इतनी सी बच्चों के निकले अलग सनरूफ मिलती है, इसमें तो है नहीं खैर इसके, लेकिन इस पैनोरामिक सनरूफ है बहुत बड़ी, जो इसका बैक व्यू है वो ब्रेजा में नहीं है, मान लो मेरी बात। और आप कंपेरिजन भी चाहते हो ना ब्रेजा और इसका ग्रैंड विटारा का, दोनों गाड़ी मेरे पे है भाई, दोनों कंपेरिजन कर दूंगा। और माइलेज की बात करूँ, जो मैंने अभी तक ब्लॉग डाला नहीं है, मैं शूट करा हुआ अपने आप ही ऑब्जर्वेशन ली, ये एक सिलेंडर में हाईवे पे चली थी 196 किलोमीटर, 6.5 लीटर गैस, 28-29 की माइलेज दी इसने, ब्रेजा ने भी 28 की दी थी। अब माइलेज के मामले में तो आप दुखी हो ही नहीं सकते भैया, अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। SUV का पूरा फील, SUV ही है, 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। SUV गाड़ी में गिनती करोगे 17 इंची के टायर मिल रहे हैं आपको, XUV के मिले 17 इंची के टायर थे, हालांकि चौड़े थोड़े से ज़्यादा थे इससे, लेकिन ऊंचाई 17 इंची थी उनकी। तो वो सब चीज़ें देखिए, और पहाड़ों पर ले जाओ, पेट्रोल पर ले जाओ, और जो गाड़ी आपकी 2-3 रुपये किलोमीटर चल रही हो कोई बुराई नहीं है भाई। डीजल की XUV 10 रुपये किलोमीटर चलती थी मेरी, आपको चला के दिखाता है गाड़ी क्या परफॉर्मेंस है, कितनी स्मूथ है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, इसमें क्या है, CNG में आप सोचोगे आप सिग्मा ले लेते हैं, आपने डेल्टा क्यों लिया, फालतू पैसे क्यों दिए, भैया कंपनियों ने गेम खेल रखा है। सिग्मा मॉडल में आपको CNG नहीं मिलती, आपको CNG लेनी है आपको डेल्टा और अल्फा में ही मिलेगी, तो उसके बाद हाइब्रिड चालू हो जाती हैं, तो भैया डेल्टा लेनी मजबूरी हो गई। लेकिन इसमें आपको क्या क्या फीचर फालतू मिले 1.5 लाख देने के, टॉप मॉडल वाला स्टीरियो मिला, एक मिनट हवा कम करो आ जाएगी, हाँ टॉप मॉडल का स्टीरियो मिला, आर्मरेस्ट मिला, पीछे चार्जिंग पॉइंट मिले, बैक कैमरा मिला, ये जो प्लास्टिक की वो नहीं ट्रे, पार्शियल ट्रे वो मिली, जो मतलब पेट्रोल का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, CNG तो अलग ही चीज़ हो गई। और भाई सबसे मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, दिखाता हूँ। डेल्टा मॉडल में मिल जाता है आपको क्रूज कंट्रोल, जो कि मेन है
जो कि आफ्टर मार्केट भी नहीं लग पाता आपका, दिख रहा है क्रूज। मेन रीजन तो मेरा यही था डेल्टा मॉडल पर स्विच करने का कि क्रूज मिल रहा था, क्योंकि क्रूज ना आफ्टर मार्केट लग भी नहीं पाता, लग भी जाए इन केस भाई, मैं चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, तो भाई ये भाई सिक्योरिटी चीजें हैं। ब्रेक अगर आप बाहर से लगवा लो, वही वाली बात है, ब्रेक बाहर से लगवाओगे और नहीं आई कभी तो मर जाओगे। तो वो ये क्रूज भी उसी चीज का काम करता है, स्पीड नहीं रुकी आपने ऑफ करा, नहीं हुआ वो बंद, हुआ जाके टुक गए। तो भाई इन चीजों में ना कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ब्रेजा में दो डिस्क आते हैं, आपको फोर डिस्क ब्रेक मिलेंगे, दिखाता हूँ मैं, दिख जाए तो अलग अलग तहनीक। ये भाई रियर डिस्क ब्रेक है, ये देखो, और फ्रंट डिस्क ब्रेक, इसमें चारों ब्रेकों में डिस्क ब्रेक है, और ये DRL जल रहे हैं इसके कुछ, ये देखिए, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं हमें, और आपको पीछे एसी के वेंट्स मिल जाएंगे, दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे, टाइप ए और टाइप सी, मतलब ये है आईफोन यूजर्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस गाड़ी में। इसमें चार स्पीकर आते हैं, ट्विटर की मिसिंग है इसमें गाड़ी में, क्योंकि टॉप मॉडल में आते हैं यहाँ ट्विटर, वो भी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, डेल्टा मॉडल है ये भाई। गाड़ी स्टार्ट आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा, एसी की हल्की आवाज आ रही होगी, चलो हाँ थोड़ी सी, जैसे मैं डीजल से आया हूँ ना तो हल्का सा मुझे ना रेस देने कम आता है उठाते समय, पेट्रोल गाड़ी में थोड़ी सी रेस देनी पड़ती है क्लच छोड़ने के साथ साथ, डीजल में क्लच छोड़ो गाड़ी चलती चली जाती है, टॉर्क ज्यादा होता है ना डीजल का। अब देखो ये बेल्ट क्यों दे दिया, एक चीज और है इसमें इरिटेटिंग चीज, पीछे छडरो वाला है ना, उन्होंने बेल्ट ऊपर कर रखी है वो उधर भाई, है ना, तो उसका साउंड देती रहती है, हमारी तो बेल्ट लग रही है पीछे से, वहां कोई बैठा नहीं है तब भी आवाज क्यों दे रही है भाई, बैठेगा तब सेंसर एक्टिवेट हो, जब तो बोले अच्छे भी लगे भाई। अब चलाते हैं इसे, गाड़ी चलने में भाई नो डाउट बढ़िया है। और एक बात और है, हाईवे पे तो भाई पता ही नहीं पड़ता पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो सीएनजी की चला रहे हो, क्योंकि भक्ति खूब है। 120 तक तो मैंने अभी चला दी 400 किलोमीटर में हाईवे पे गया था। और दूसरी बात, लोकल में 19-20 वो भी डीजल से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, आप ये मत सोचना पेट्रोल की ग्रैंड विटारा और सीएनजी की में कोई अंतर नहीं भाई, लोग एक मिनट स्विच कर देता हूँ तो पेट्रोल पर, कोई फर्क नहीं है भाई, जिसे बोलते ना 1% फर्क वो भी नहीं है। हाँ डीजल के मुकाबले डीजल ताकतवर ज्यादा होता है, डीजल इंजन, बस वही हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया ना डीजल का, आजकल क्या कर दिया आपको पता ही होगा कि भाई 10 साल की लिमिट कर दी है इसमें। आप टेल लैंप देख सकते हैं कितनी प्यारी है इसकी, ये पार्किंग जली हुई है ना, अभी एक बार आके ब्रेक दबाना, ये देखिए भाई अभी तक किसी गाड़ी में ऐसा लुक्स नहीं आया, अभी नई नेक्सॉन आई है, हाँ उसमें थोड़ा सा ऐसा आया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही निकाला था कनेक्टेड टेल लैम्प। सो गाइस फाइनल रिजल्ट यही है, गाड़ी बहुत अच्छी है। आप ये सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा बना के रह गए ब्लॉग, भाई ये है कि हर टेरेन पर टेस्ट करेंगे इसे, तो ये तो नहीं कि भाई गारा मैं खेत में बढ़ा दूंगा, पहाड़ों पे और भाई स्नोफॉल में हर जगह, जैसे हमारी एक्सीवी टेस्ट हो रखी है ना, जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे वो सब देख लेना, ये हर टेरेन पर टेस्ट होगी गाड़ी, और भाई ऑफ रोड भी हो जाएगी, ऑल ग्रिप मॉडल नहीं है हालांकि, लेकिन हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग हो जाएगी भाई, टिकेगी नहीं गाड़ी, मेन चीज ये है। और भाई जैसे भी सबको सही लगे ब्रेजा और कंपेयर कराएंगे, सीएनजी पे इसका माइलेज का पूरा व्लॉग बनाऊंगा भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और दो चार चीजें और जो कंटेंट आते रहेंगे दिमाग में वो डालते रहेंगे। और जल्दी ही अक्टूबर में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में हमारा ट्रिप लगने वाला है पहाड़ों का, तो सारे भाई सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी, और मॉडिफिकेशन तो आप भूल ही जाना कि क्या चीज नहीं हो सकती इसमें, सारी चीज होंगी। अभी मैं करा ही नहीं रहा हूँ, बस मन ही नहीं है, मैं सोच रहा हूँ पहली सर्विस करा लूँ 1000 किलोमीटर वाली, उसके बाद काम कराऊँ इसमें, मतलब एक बढ़िया चीज, मैटिंग सीटिंग ये सारी चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप्स भी ऊपर बनवा देंगे अलॉय व्हील, मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्रैंड विटारा है आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को। और जिसे कोई फीचर ना समझ में आ रहा हो इसका स्टीरियो का, वो भी कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। एक चीज मैं भी कंफ्यूज हूँ, ये माइलेज नहीं दिखा रहा ना पेट्रोल की ना सीएनजी की, जो कि दिखानी चाहिए, पता नहीं सीएनजी वाले मॉडल में ही आ रहा है ये चीज, पेट्रोल वालों में दिखा ही रहा है। अब भाई इसका सॉल्यूशन मैं भी सर्विस सेंटर जाके लूंगा, और आप लोगों ने यहाँ तक व्लॉग देख लिया, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय।